साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो एक बार फिर गरमाया हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक पहले ही राज्यसभा में पारित हो चुका है, इस बार इसे लोकसभा में पारित होने की पूरी संभावना है। जैसे ही नई संसद का उद्घाटन हुआ है तो ये टॉपिक वापस चर्चा में आ चुका है। तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो विधेयक है वो पारित होने की पूरी संभावना है। ये विधेयक पहले भी राज्यसभा में पारित हो चुका है। तो इसकी महिला आरक्षण की विधेयक की पूरी जानकारी हम आपको आज बताते हैं कि ये बिल पिछले तीस सालों से लटका हुआ है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण का बड़ा दाव मोदी सरकार चलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार मोदी कैबिनेट ने जो बिल मंजूर किया है वह 2010 में राज्यसभा से पारित बिल से अलग हो सकता है। बिल में इस पर नज़र रहेगी कि महिला आरक्षण में अजज्जा व ओबीसी का भी आरक्षण होगा या नहीं होगा। मतलब ये जो 2010 में राज्यसभा में बिल पारित हुआ जिसको लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं, तो उसमें ओबीसी महिला और अजज्जा महिला आरक्षण अलग से होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी इस बिल के बारे में बताया जाएगा। और जो 2010 में राज्यसभा में पास बिल हुआ वो मनमोहन जी सरकार द्वारा बिल पास किया गया, उसमें और समाजवादी पार्टी और राजद की समर्थन वापसी की धमकी के कारण विधेयक लोकसभा में नहीं लाया गया। मतलब उस समय जो विपक्ष था वो इस बिल से सहमत नहीं था, इसलिए इस बिल को लोकसभा में नहीं लाया गया और सिर्फ राज्यसभा में ही पारित हो पाया ये बिल। तो सबसे पहले 1996 में HD देवगौड़ा सरकार ये विधेयक लाई थी। सरकार अल्पमत में आने के कारण बात ठहर गई। मतलब लोकसभा में जो सरकारें थी वो बहुमत की नहीं थी। जो सबसे पहले HD देवगौड़ा सरकार थी उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, वो बिल लेकर आए, लेकिन बाकी विपक्ष इसके समर्थन में नहीं था और इनकी मतलब पूरी पूर्ण बहुमत सरकार थी नहीं, तो ये बिल पास नहीं हो पाया। वाजपेयी सरकार ने भी 1998, 1999, 2002 और 2003 में भी इसे पास कराने की असफल कोशिश की। मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार है उन्होंने भी इस बिल को लागू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ये बिल चर्चा पर क्यों आया? क्योंकि मोदी सरकार महिला के हितों के लिए जो कदम उठाने वाली है उसको आने वाले चुनावों में भी फायदा होने वाला है। तो और देखते हैं कि राजस्थान में क्या परिवर्तन होगा अगर ये बिल लागू हो जाए, तो राजस्थान में क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में हम देखते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। अगर 33% बिल, ये जो महिला विधेयक बिल लागू होता है, तो 66 महिला विधायक होंगे। जी हाँ दोस्तों, 66 विधायक महिलाएँ होगी जो इस बार विधानसभा में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इस बिल के कारण। तो इसमें क्या है कि अभी जो SC की 34 सीटें हैं और ST की 25 सीटें, ऐसे में विधानसभा की कुल सीटों में फिर 66 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। यही नहीं, SC और ST की आरक्षित सीटों में 33-33% सीटें, यानी ST की 11 से 12 और ST की 8 सीटें। मतलब SC ST में भी अगर 33% वाला सिस्टम लागू हो जाए तो इसमें SC की 11 सीटें और ST की 8 सीटें आ सकती हैं और 27 सीटों पर महिलाएं हैं। मतलब अभी मौजूदा विधानसभा में सिर्फ 27 सीटों पर ही महिलाएं हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो 66 महिलाएं विधायक होगी, जिससे राजस्थान की राजनीति या मतलब पूरे भारत की राजनीति में अलग प्रभाव मिलने को दिख सकता है। हर चुनाव में अगर 33% आरक्षण देंगे तो महिलाओं की सरकार बनाने में अहम भागीदारी होगी। और ऐसा देखा जाए तो ये बिल बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप सभी साथियों को इस बिल में बारे में जो भी राय देनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।